भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय वार्ता। पठानकोट हमले के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच हो रही है औपचारिक वार्ता। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल आएंगे भारत, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। इसी दौरान आतंकवाद को छोड़कर हर मुद्दे पर होगी द्विपक्षीय वार्ता। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को जारी किया वेब, सांसदों को पूरे हफ्ते संसद में मौजूद रहने को कहा। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद आज पहली बार संसद पहुंची ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम। दिल्ली के संसद सत्र के पहले कई सांसदों ने उड़ाए कानून की धज्जियां, तोड़ा ऑड इवन नियम। सांसदों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का किया गया था इंतजाम। बीजेपी के सांसद परेश रावल और बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा इवन नंबर की कार से पहुंचे संसद। आज दिल्ली में ऑड नंबर की गाड़ियों का है दिन, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी तोड़ा ऑड इवन कानून, जबकि एमआईएम सांसद ओवैसी पैदल चलकर पहुंचे संसद। आज तक की खबर का हुआ असर, सांसद परेश रावल ने ऑड नियम तोड़ने पर मांगी माफी, कहा सॉरी अरविंद जी और सॉरी दिल्ली। ऑड इवन में सांसदों की सुविधा के लिए चलाई गई बस में रहा सांसदों का टोटा, एक महिला सांसद समेत सिर्फ दो सांसदों ने बस में किया सफर। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उठा था ऑड इवन का मुद्दा। टीआरसी सांसद जितेंद्र रेड्डी ने कहा हमें इस नियम से परेशान। टीआरसी सांसद रेड्डी ने कहा हमारे पास दिल्ली में एक ही गाड़ी, हमें ऑड इवन में मिले छूट। चीन में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डुलके मिसा को भारत अब नहीं देगा वीजा। आज तक को विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी, मोदी सरकार ने डुलके मिसा का वीजा किया रद्द। डुलके मिसा के वीजा पर मोदी सरकार के यू टर्न को विपक्ष ने बताया चीन सरकार का दबाव, केंद्र सरकार के चीन के दबाव को किया खारिज। डुलके मिसा को चीन में बतौर आतंकवादी जाना जाता है, पहले भारत के वीजा देने के कदम को चीन पर माना जा रहा था पलटवार। मसूद मामले पर चीन ने लगाया था अड़ंगा। उद्धव ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, सामना में कन्हैया के सवाल का हवाला देकर पूछा प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए सूखाग्रस्त मराठवाड़ा। जम्मू में एनआईटी छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी की चुपेर पर उठाए सवाल। नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, श्रीनगर एनआईटी प्रशासन में बदलाव की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं छात्र। बाबूलाल मरांडी ने नीतीश से मिलाया हाथ, देवघर में 23 मई को होने वाली झारखंड विकास मोर्चा के अधिवेशन में शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। झारखंड में रघुवर सरकार के खिलाफ मुखर हुए मरांडी, कहा केंद्र सरकार मना रही है पंचायती राज दिवस, लेकिन झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं मिला अधिकार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार किया, बोले कांग्रेस काम रुको प्रस्ताव की पक्षधर, बीजेपी काम करो की नीति पर करती है अमल। हापुड़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा संघ मुक्त भारत का सपना देखने वाले देश के हितैषी नहीं। पाली में गांधीनगर पर तलवारबाजी का प्रदर्शन करने वाले डीजी बंजारा जल्द शुरू कर सकते हैं राजनीतिक पारी, मोदी सरकार को राष्ट्रवादी बताकर सराहा। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान, चौथे चरण में 49 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। चौथे चरण में उत्तरी 24 परगना में 33 सीटों के लिए मतदान, हावड़ा में 16 सीटों पर वोटिंग। चौथे दौर में 345 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, 39 महिला उम्मीदवार मैदान में, मतदान को लेकर सभी पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा। महाराष्ट्र के बीड़ी कामगारों के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक परिणीति शिंदे ने की अगुवाई। कांग्रेस ने बीड़ी फैक्ट्रियों में 1 करोड़ महिला कर्मचारियों के कामकाज का दिया हवाला, कहा जब तक इन्हें नहीं दी जाती नौकरी बंद न की जाए कोई भी बीड़ी फैक्ट्री। धौलपुर में पानी की कमी के बीच लाखों लीटर पानी बर्बाद, नहर परियोजना का टूटा वॉल्व, बेवजह बहता रहा पानी। कर्नाटक के धारवाड़ में सूखे से बढ़ रहा है शादियों का बजट, पानी पर लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं ज्यादा पैसे। जोलाहाले गांव की एक शादी में 10,000 से ज्यादा रुपए पानी पर खर्च करने पड़े, 3,000 में मिल रहा है एक टैंकर, 1.5 लाख रुपए ही आता था शादी का बजट। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों से मुठभेड़ में दारोगा शहीद,
एक बदमाश फुरखान की यहां दबिश देने पहुंची थी पुलिस। मुठभेड़ में शहीद दारोगा का नाम अख्तर अली, 1998 में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। पिछले साल जून 2014 में दादरी कोतवाली में दारोगा बनकर आए थे अख्तर अली। अलीगढ़ में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च, एमबीयू में कल दो गुटों की गोलीबारी में एक शख्स की हुई थी मौत। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ में साधु संतों का पुलिस पर फूटा गुस्सा, चोरी की घटनाओं से नाराज साधुओं ने पुलिस की जमकर की पिटाई, दौड़ा दौड़ा कर पुलिस वालों को पीटा। सिंहस्थ महाकुंभ के पहले शाही स्नान के दौरान अव्यवस्थाएं देख साधु संत गुस्से में, अखाड़ा परिषद ने मेला छोड़कर जाने की दी धमकी, व्यवस्था नहीं सुधरने पर दूसरा शाही स्नान करने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन हादसे में बाल बाल बची महिला, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर, प्लेटफॉर्म पर और पटरियों के बीच में फंस गई। एक वेंडर ने महिला के गिरते ही उसे इस तरह से पकड़ा कि वो ट्रेन की चपेट में ना आ सके। जान बचने पर महिला ने ईश्वर के साथ वेंडर को दिया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर में घुसकर दंपति की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मौत के घाट दोनों को उतारा। राजस्थान के कोटा में युवक की हत्या पर बवाल, औसाए लोगों ने सड़क जाम की, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर में बेकाबू कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, हादसे में महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, अशोक विहार में घर में लूटपाट के बाद 74 साल के बुजुर्ग की हत्या। प्रताप सिंह दहिया कुछ समय से घर में अकेले रहते थे, पत्नी अपने बच्चों के पास अमेरिका गई हुई थी। दक्षिण दिल्ली के कालका जी एक्सटेंशन में चोरों का आतंक, एक ही रात में 6 घरों को बनाया अपना निशान। पंजाब के फजलका में कर्ज के तले किसान ने दबे होने पर किया आत्महत्या, कुंदल गांव में रह रहा था किसान। बेंगलुरु में एवेन्यू रोड पर लगी आग, लकड़ी के बक्सों में आग लगने पर 4 दमकलों से पाया गया भयंकर आग पर काबू। बिहार के दरभंगा में आग का तांडव, पटोरी गांव में सैकड़ों घर स्वाहा, एक शख्स की झुलस कर मौत, 2 के हार्ट अटैक से गई जान। लोगों को घरों से कीमती सामान निकालने का भी नहीं मिला मौका, आग बुझाने में सेना की ली गई मदद। मुजफ्फरपुर में आग से भारी तबाही, करीब 10 जगहों पर लगी आग में 100 से ज्यादा घर जलकर स्वाहा, एक महिला समेत 2 की मौत। बिहार के समस्तीपुर के वारिस नगर में आग में मचाई तबाही, 100 घर जलकर खाक, एक शख्स की मौत। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पिछले 15 दिनों से जारी है आग का तांडव, अब तक सैकड़ों घर जलकर स्वाहा, हजारों हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद। और डीवन नियम के बीच स्कूली छात्रों ने उड़ाई नियम की धज्जी, बिना हेलमेट स्कूटी पर 3 छात्र सफर करते हुए नजर आए और इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। दिल्ली से भरतपुर में केवला देव नेशनल पार्क घूमने आए सैलानियों की पलटी कार, टायर फटने के हादसा, एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बिजनौर में हरिद्वार मार्ग पर चलती कार में अचानक से लग गई आग, कार चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। नागपुर में पुनर्वास केंद्र से भागे 21 बाल अपराधी, तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में वाहनों के ओवरलोडिंग से परेशान पुलिस ने चलाई नबास ना मुहिम वाली बांसुरी वाली मुहिम, वाहनों के पायदान और छत पर लगे करियर तोड़ डाले। बहसान के प्रतापगढ़ में 4 क्विंटल अफीम का चूरा बरामद, 2 गिरफ्तार, गिरफ्त में आए दीपक नाम के शख्स का अभिनय जगत से नाता। छत्तीसगढ़ में पारा 45 के पार, गर्मी भगाने के लिए लोग मौसमी फलों के साथ साथ योग का ले रहे हैं सहारा। नेपाल में भूकंप की तबाही की बरसे पर जुटे लोग, हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। भूकंप की तबाही के बाद साल भर बाद भक्तपुर में अधूरा है पुनर्निर्माण, दरबार स्क्वायर समेत तमाम धरोहर रहे अभी भी हैं खंडित। भूकंप की तबाही में बिगर हुए लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया स्थायी आशियाना, झोपड़ पट्टियों में ही रह रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गांव में लगी भीषण आग में 35 से ज्यादा घर जलकर राख हुए, आग में झुलसकर 12 साल के मासूम की मौत। मुरादाबाद में बिजली दफ्तर में ओसीबी मशीन में लगी आग में 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलसे, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के पाली में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पावर प्लांट के पास जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर पाया काबू। सहारनपुर में डंपर से टकराने के बाद सेंट्रो कार में लगी आग, हादसे में चार लोगों की झुलसकर मौत। राजस्थान के कोटा में एक युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर में बेकाबू कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, हादसे में महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। बिहार के खगड़िया में एक होटल में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के बठिंडा में किसान के 22 साल के बेटे ने की आत्महत्या, नौकरी नहीं मिलने से परेशान था युवक। पंजाब के फजलका में कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या, गांव के सरकारी स्कूल में फांसी लगाकर दी अपनी जान। अमेरिका के कैंसास में मोटेल में बदमाश के साथ मुठभेड़ में FBI के 3 अफसर जख्मी, गोलीबारी से मोटेल के कर्मचारी और एक हिस्से में लगी आग। अमेरिका में हथियार लेकर हाई स्कूल में घुसे शख्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 लोग घायल। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चर्च में फायरिंग में एक शख्स की मौत, अज्ञात शख्स ने की चर्च में गोलीबारी। अमेरिका के मियामी में भारतीय मूल की महिला डॉक्टर को अस्पताल ने नौकरी से निकाला, कैब ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। नेपाल में पिछले साल भूकंप में मारे गए लोगों को नेपाल के प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, 25 अप्रैल को भूकंप में 7,000 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत का सिलसिला जारी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 2 विकेट से हराया। धोनी की टीम ने कोलकाता के सामने जीत के लिए रखा था 161 रनों का लक्ष्य, उमेश यादव ने छक्का जड़, कोलकाता को दिला दी जीत। कोलकाता की जीत में हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, 49 गेंदों पर 60 रन बनाकर बने मैन ऑफ द मैच। पुणे ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए, रहाणे ने खेली 67 रनों की पारी। कोलकाता 5 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले नंबर पर, धोनी की टीम 5 में से 4 मैच हारकर 7वें नंबर पर। राजकोट में विराट कोहली की शतकीय पारी पर फिरा पानी, गुजरात लायंस ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। बेंगलुरु ने गुजरात लायंस के सामने रखा था 181 रनों का लक्ष्य, गुजरात ने दिनेश कार्तिक की नौबत 50 रन की पारी के बदौलत मैच जीत लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कप्तान विराट कोहली ने खेली तूफानी पारी, 63 गेंदों पर 100 रन बनाकर रहे नाबाद। आज अपने ही घर में मोहाली में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी पंजाब की टीम, 8 बजे शुरू होगा मैच। सचिन ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर मनाया अपना 43वां जन्मदिन, मैदान में बच्चों के साथ सचिन दिखे गदगद। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है, ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15